दो तीन दिनों में कुछ कानूनी प्रक्रिया में ऐसे निर्णय हुए हैं जिसको लेकर के कुछ गफलत फैलाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, और इसलिए आपकी सभा में मैं साफ तौर पर बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स थोपा गया, मैं आपकी सभा में बात कहना चाहता हूँ कि यूपी प्रशासन की ओर से कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा आपके ऊपर। लेकिन बारामूला के चुने हुए प्रतिनिधि जो आपके भाई हैं, आपके परिवार के अंग हैं, बारामूला में जनता की सुविधाएं कैसे बढ़े, आपकी राय से अगर कोई फैसला करेंगे, मुझे लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन सब फैसलों को राजनीतिक हथियार लोग न बनाए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि शासन की ओर से कोई प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ के किसी आदमी पर नहीं थोपा जाएगा। दोबारा इसलिए मैं इसको दोहरा रहा हूँ, अभी जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में एक संशोधन हुआ और जिसमें हमने फैसला किया है कि जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर चुने जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हम बनाना चाहते हैं ताकि जिलों के विकास में चुने हुए प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी हो सके। तो आज मैंने अखबार में बयान देखा, लोगों ने बयान दिया कि पंच और सरपंच को जो अंधेरियम मिलता है वो बंद कर दिया जाएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को नकारता हूँ और कहना चाहता हूँ चुने हुए प्रतिनिधियों को जो अंधेरियम मिल रहा था वो मिलता रहेगा, आने वाले दिनों में उसे बढ़ाने का काम हम करेंगे, एक रुपया घटाने का काम हम नहीं करने वाले।